हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। तो आज अभी टाइम हो रहा है 3 बजे, और 3 बजे मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और देखो, मैक्स तो बस जहाँ मैं बैठूँगी भाई, मैक्स बैठ जाएगा। अभी आई हूँ मैं शॉप से, आज मैं जल्दी आ गई हूँ, और अभी बस आके चाय पी मैंने, और साथ में मैक्स भी बैठ गया है। तो 3 बजे ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। चली गई थी सुबह सुबह, दुकान पहुँची थी मैं, और कम से कम कोई 11 बजे मैं पहुंच गई थी। बस वहाँ पे फिर थोड़ी सी साफ़ सफाई की, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो दुकान पे थोड़ा सा साफ़ सफाई वाला काम है। और मेरे को ना यहाँ पे पता नहीं चींटी ने काट लिया कि क्या, चींटी चढ़ गई थी। अब बार बार यहाँ पे कुछ जलन सी पड़ी हुई है। तो बस वहीं से आई अभी, और खाना तो मैं लेके ही चली गई थी। और उनको तो मैंने आज टिफ़िन नहीं दिया था, क्योंकि उनको कहीं पे जाना था खाना खाने, तो वो वहाँ चले गए थे। और फिर मैं अपने लिए तो ले गई थी, तो बस खाना तो मैंने वहीं पे खाया। और जब वो वापस आए तो फिर सुबह पहले हमने इकट्ठे साफ़ सफाई की थी दुकान की, क्योंकि सामान है ना, नवरात्रे भी आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। जब तक दिवाली आएगी तब तक पूरी साफ़ सफाई हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो इस तरह से फिर वो आए, और फिर थोड़ी देर बैठे, और मैंने बोला तो अब मैं चलती हूँ, क्योंकि कल मैं 4:30 बजे आई थी, तो आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, 2:30 बजे, 2:45 मतलब पहुँच गई थी बस आके चाय पी। और बस फिर अभी कपड़े वगैरह चेंज करूंगी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अभी लगी हूँ मेरी अपनी चाय बनाने, और क्यारी में अदरक लगा है ना, ये ले आई हूँ मैं थोड़ा सा निकाल के। ये देखो आप, बस थोड़ा सा ले आई हूँ, बाकी तो निकालना है अभी, लेकिन थोड़ा सा मैं ऐसे ले आई थी। अदरक वाली चाय तो सर्दियों में इतना मजा आता है ना पीने का, स्टील का पूरा भरा हुआ ग्लास हो, थोड़ा सा नमक हो, नमक वो दूसरा जैसे पहाड़ी में हम यहाँ पे गुम्मा लूण बोलते हैं उसको, और आप मतलब ऐसे तो पता नहीं काला नमक बोलते होने, ऐसे तो गुम्मा लूण ही बोलते हैं। कई तरह तरह के नमक होते हैं, सिंध नमक, गुम्मा लूण, काला नमक, सफेद नमक। तो जो काला नमक होता है ना, गुम्मा लूण, ये इस तरह का होता है। मैं बताती हूँ, ये बताती हूँ मैं आपको, ये इस तरह का, ये तो बस ये भी डालूंगी मैं थोड़ा सा चाय में, और इतना टेस्ट आता है ना अदरक और इस नमक का, थोड़ा सा डालना, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता है ये। और ये पता नहीं किसका मैसेज आ गया। अच्छा, तो बस सो गई थी और अभी उठी हूँ, थोड़ी देरी हुई अभी उठे हुए, तो काना को भी मैंने उठाया, और मैक्स भी साथ में ही सो गया था मेरे। अभी काना को उठाया, और अभी चाय पीऊंगी और फिर खाना वाना बनाऊंगी। ये लकड़ियां वगैरह ले आई हूँ मैं नीचे से, ये खिड़की कर देती हूँ मैं बंद। तो बस चाय पीने के बाद जो है वो शाम का टाइम हो गया है, रात होगी, और यहाँ पे होगी है मेरी पूजा वगैरह, सारा काम खत्म। अब लग पड़ी हूँ मैं चपातियाँ बनाने चूल्हे पे, और बैठ के ना अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे से इतनी देर बैठा नहीं जाता, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है, क्योंकि मेरी जो रीढ़ की हड्डी है ना, तो इसमें भी दो गैप आ गए हैं नीचे जैसे, तो कमर से, कमर के पास तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, ज़्यादा झुका जाता है मेरे से ना, मैं बड़ी देर बैठ नहीं सकती हूँ। और फिर ऑपरेशन भी हुआ था तो झुक भी नहीं सकती हूँ, तो चेस्ट में वैसे ही मुझे टांके लगे हैं, तो मुझे दर्द शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो मैं बैठ के थोड़ा कम काम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चपातियाँ वगैरह बन गई और सब्जी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं सब्जी है तो वही खा लेंगे हम, और कल की सब्जी बची है थोड़ी सी दाल, घी शक्कर हो जाएगा, और दूध के साथ भी वो खा लेते हैं। तो आज सब्जी कुछ भी नहीं बनाई और चपातियाँ बनाई हैं, तो इस तरह से ये चूल्हे पे बना रही हूँ मैं खाना। तो अभी जो है वो मैं कपड़े लगा लेती हूँ तय, क्योंकि कल धोए थे ये कपड़े ना, कल क्या बार था, वीरवार ने, परसों के धोए हुए हैं, बुध बुधवार के कपड़े धोए हैं ये, तो अभी लगा लेती हूँ इनकी तय। और तय बिल्कुल भी नहीं लगाई थी, प्रेस करने वाले मैं अलग से रख दूंगी ना इनको, और तय करने वाले जो है वो अलग से रख दूंगी। तो ये मैक्स ना, जब भी मैं वीडियो लगती हूँ ना बनाने में, इसको ऊपर छोड़ के आई अभी, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे ये नीचे, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे भाग आता है। खाना अपना छोड़ आया, खाना अभी दिया मैंने इसको, और खाना छोड़ के आ गया।
तो अभी जो चपातियां वगैरह बनाई मैंने, और अभी मैक्स को भी खिला दिया, और सब्जी तो थी जैसे कि मैंने बताया आपको, और अपने बांकू को जो भोग बन रहा था उनका प्रसाद बना, वो बना सिर्फ घी और शक्कर और चपाती। आज उनका यही खाना बनाया मैंने, जो हम खुद खाएंगे बस वही। और इस तरह से फिर बस अभी उनका आने को थोड़ा सा टाइम है, 7:45 हुए हैं, 8 बजे तक वो आ ही जाते हैं। कभी कभी थोड़ा लेट भी आ जाते हैं, लेकिन अभी वैसे कभी जल्दी भी आ जाते हैं, तो बस अभी उनका वेट ही कर रही हूँ। और मैंने कहा तब तक चलो कपड़े तय लगा लूँ, टाइम भी पास हो जाएगा मेरा। और अभी वीडियो भी मैं लेट हो गई हूँ डालने को, क्योंकि आज दुकान में थी उधर ही काम किया, और फिर वीडियो नहीं मैं बना पाई। फिर घर में बनाई मैंने, जो भी किया मैंने वो आपसे शेयर किया, जो काम किया। तो इस तरह से फिर अभी मैं इसको भी डाल दूंगी वीडियो को, क्योंकि 7:45 हो गए हैं, और बस इसको मैं अभी डाल दूंगी, मतलब 9:09 तो नहीं, पर हाँ 9 बजे ये वीडियो डाल दूंगी मैं। तो देखती हूँ फिर कितनी बनती है कितनी नहीं बनती है। मेरे कपड़े हो गए हैं प्रेस, तय लगाने वाले तय लगा दिए। अब बस एक दो फ़ोन करूंगी बेटी को और बेटे को, उनसे बात हो जाएगी, फिर तसल्ली हो जाती है कि बच्चे ठीक हैं। और तब तक ये भी आ गए थे, और अब इनको मैक्स की चौधर, मैक्स आगे पीछे घूमेगा बस। तो यही था जी आज का ब्लॉग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे जी। ओ दिख दिख चले बैग ले आना गया, ऊपर लाओ बैग, लाओ बैग। ये क्या किया मैक्स तूने? क्या लंदे तो ही जो नहीं। तो एक मस्तू दा जेड़ा